नमस्कार, फिर से नॉलेज आईक्यू टीवी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, फिर से एक AIBA का को बहाने मिल चुका है, फिर से 30 मई को पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ, पंजाब एंड सिंध बैंक में जो स्ट्राइक के बात चल रहे, 30 मई को जो बैंक ऑफ बड़ौदा में स्ट्राइक चलने वाले और 30 और 31 मई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्ट्राइक चलने वाले हैं। तो AIBA का तो एक ही मकसद है, UAPU AIBA का, अगर कुछ हाथ में नहीं आया तो स्ट्राइक बुला देगा। मतलब AIBA का ये ब्रह्मास्त्र है, जैसे बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, तो AIBA और UAPU का ब्रह्मास्त्र है। जब उनका माइंड में कुछ भी नहीं आएगा, जब माइंड ब्लैंक रहेगा, तब AIBA और UAPU दोनों मिलके स्ट्राइक कर देगा। और इस स्ट्राइक के पीछे जो वर्किंग एम्प्लॉयज है, उसका तो सैलरी तो माइनस होगा ही, उसके साथ साथ और भी सुविधा से वंचित रहेगा बैंक एम्प्लॉयज। मैं क्यों बता रही हूँ दोस्तों, AIBA ने लास्ट 2 साल में बहुत सारे बैंक स्ट्राइक किए, इसका एक भी रिजल्ट अगर आप मुझे बताएं, हाँ इस स्ट्राइक करने के बाद हम लोगों को ये रिजल्ट मिला, एक भी स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक में कोई भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बैंक एम्प्लॉयज का अकाउंट से सैलरी माइनस हो गया, एक दिन, दो दिन, तीन दिन का सैलरी माइनस हो गया। ठीक है, मैं बताना चाहती हूँ पंजाब एंड सिंध बैंक में 30 मई में क्यों स्ट्राइक हुआ है। नंबर वन, पंजाब एंड सिंध बैंक में प्रॉफिट बहुत कम होता है, उसके साथ साथ पंजाब एंड सिंध बैंक प्राइवेटाइजेशन का एरामी भी है, मतलब किसी भी टाइम में प्राइवेटाइजेशन हो सकते हैं। अभी आप बताओगे बैंक ऑफ बड़ौदा में क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको शायद पता होगा, वो लोग एजेंसी से कुछ काम करवाते हैं, जो बैंक में जो एम्प्लॉई है उससे काम नहीं करवाता है। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ इंटरनल इशू होगा, इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिटायरीज एम्प्लॉयज फेडरेशन है, उन्होंने स्ट्राइक बुलाया है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो आप जानते ही है, लगातार प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाना, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाने, उसके साथ साथ 600 ब्रांचेस को बंद कर देंगे, ATM का बंद हो जाएंगे, उसके साथ साथ नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम हाईलाइट करके भेज दिया है, तो ये तीनों चीज़ के कारण बैंक स्ट्राइक होगा। लेकिन एक भी बैंक स्ट्राइक में AIBA कभी भी पब्लिश नहीं किए, बैंक स्ट्राइक करने के बाद फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ज़ीरो फायदा होता है, और बैंक एम्प्लॉयज का जो सैलरी है उसमें से एक दिन का, नहीं तो दो दिन का, नहीं तो तीन दिन का, मतलब जितने दिन स्ट्राइक होगा उतने दिन सैलरी माइनस होते जाएंगे। थैंक यू।